आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के एक मिशन के बारे में, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पाकिस्तानी इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, इंडियन नेवी को 28 मार्च वाले दिन एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ईरानियन फिशिंग वेसल के ऊपर पायरेट्स की तरफ से अटैक किया गया है, और उस समय ये फिशिंग वेसल सोकोट्रा आइलैंड के आसपास ऑपरेट कर रहा था। ये आइलैंड बेसिकली यमन का आइलैंड है, और जिस समय इंडियन नेवी को इन्फॉर्मेशन मिली थी तब ये फिशिंग वेसल इस आइलैंड के साउथ वेस्ट में था और इसकी आइलैंड से दूरी लगभग 90 नॉटिकल माइल्स की थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मैप देख रहे हैं उसके ऊपर आप इसकी पोजीशन को देख सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली ये वेसल उस समय यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के तुरंत बाद इंडियन नेवी की तरफ से अपने दो शिप्स को डिस्पैच किया गया था, और आइडिया था कि हाईजैक फिशिंग वेसल को इंटरसेप्ट किया जाए। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताया जा रहा था कि इसके ऊपर 9 पायरेट्स थे, और ये 9 के 9 हेविली आर्म्ड पायरेट्स थे। ये पूरा इवेंट 28 मार्च को शाम के आसपास हुआ था, और 29 मार्च अर्ली मॉर्निंग के आसपास आईएनएस सुमेधा इस फिशिंग वेसल को इंटरसेप्ट कर लेता है, और फिर कुछ देर के बाद में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल बेस के आसपास पहुंच जाता है। वैसे इस फिशिंग वेसल को इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन असली परेशानी शुरू होती है इंटरसेप्शन के बाद में। इस फिशिंग वेसल के ऊपर पूरी तरीके से सोमाली पायरेट्स का कब्जा था, और ये हेविली आर्म्ड पायरेट्स थे। इन 9 पायरेट्स ने इस वेसल के ऊपर मौजूद 23 के क्रू को बंदी बना रखा था, और लगभग 12 घंटे तक इंडियन नेवी की तरफ से इनको एंगेज करने की कोशिश की गई। पायरेट्स से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के पास में एक स्पेसिफिक तरीके की SOP है, और उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर एक्शन लिए गए थे। इस SOP को एग्जीक्यूट करते समय ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि बंधकों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और इसी वजह से नौसेना की तरफ से इतना ज्यादा टाइम लिया गया। प्रैक्टिकली INS सुमेधा और INS त्रिशूल की प्रेजेंस में इन पायरेट्स के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, और इसी वजह से आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इनिशियली भारतीय नौसेना की तरफ से जब इस पायरेसी को रेस्पॉन्ड किया गया था तो इन्फॉर्मेशन थी कि ये ईरानियन फिशिंग वेसल है, लेकिन इस फिशिंग वेसल के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो पाकिस्तानी थे। ये चीज भारतीय नौसेना को पता थी, और उसके बावजूद इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये पूरा इवेंट फिर से एक चीज एम्फेसाइज करता है कि इस रीजन में इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और पूरे इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी जहां चाहे वहां पर ऑपरेशन करने में सक्षम है। यहाँ पर बहुत सारे जोक्स भी चल रहे हैं, और कई लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि इंडियन नेवी ने डिफरेंशिएट कैसे किया कि यहाँ पर मौजूद दोनों लोगों में ज्यादा बुरा कौन सा है। जोक्स असाइड, लेकिन कई भारतीय लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि इंडियन नेवी को पाकिस्तानी लोगों को बचाने की आवश्यकता क्या थी, और ये मिशन पाकिस्तानी नेवी को करना चाहिए था, यहाँ पर इंडियन नेवी अपने एफर्ट्स को क्यों वेस्ट कर रही है। देखिए, ये चीज मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि इस रीजन में इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और आपने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था कि ये फिशिंग वेसल कहां पर ऑपरेट कर रही थी, यानी कि किसी भी स्थिति में पाकिस्तान नेवी के पास में वो क्षमता नहीं है कि वो इस तरीके का मिशन एग्जीक्यूट कर सके, और ये चीज इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी दोनों समझते हैं। भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है कि हमारी आम पाकिस्तानियों के साथ में किसी भी तरीके की दुश्मनी नहीं है, और जब भारत यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहा था तो उस समय भारत ने पाकिस्तान की भी मदद की थी। भारत का इशू हमेशा से वो रेडिकलाइज सेगमेंट रहा है, जिसके पीछे मेन कारण पाकिस्तान आर्मी है। एनीवेज, अगर इंडियन ओशन रीजन में कोई भी पायरेसी अटेम्प्ट करता है तो उसको इंडियन नेवी नेचुरली रेस्पॉन्ड करेगी, और अगर वो मर्चेंट वेसल या फिशिंग वेसल पाकिस्तानी भी है तब भी भारतीय नौसेना को वहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आम पाकिस्तानी को भी भारत द्वारा बचाए जाने में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और इन लोगों को जिनको भारतीय नौसेना ने बचाया है उनके रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि वो लोग इस चीज को लेकर कितना खुश हैं। आप वीडियो में सुन सकते हैं कि ये लोग इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि ये चीज इंडिया में बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस नहीं करेगी, और नेचुरल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली भारत के साथ में बिट्रेयल किया है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और जिस तरीके की रेडिकलाइज पॉपुलेशन पाकिस्तान होते चले जा रहे हैं उसके चलते आम भारतीय किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि हम लोगों को उनके ऊपर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस पूरे इवेंट ने एक चीज दिखाई है कि इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान नेवी नॉन एग्जिस्टेंट। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।